लायन लायनेस दीपावली मिलन समारोह मातृशक्ति का हुआ आयोजन। मारवाड़ी महिला मंडल, श्रीखरे वैश्य समाज महिला मोर्चा और केशरवानी महिला वैश्य सभा के द्वारा संयुक्त रूप से दीपावली मिलन समारोह मातृशक्ति का आयोजन किया गया, जिसमें उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल, महापौर ममता गुप्ता के साथ काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं, जहां सबने एक दूसरे से मिलकर सभी को दीपावली की बधाइयां दी। स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम सुंदरम मनि भावनम तव स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम आपका स्वागत महोदय हृदय की श्रद्धा समर्पित आपका स्वागत महोदय हृदय की श्रद्धा समर्पित स्नेह बंधन शक्ति देता मार्गदर्शन है अपेक्षित स्नेह बंधन शक्ति देता मार्गदर्शन है अपेक्षित धन्यतम दिन धन्यतम दिन धन्यतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम। स्वागत की इसी कड़ी में हम सबके बीच कड़ी में मैं अपने महापौर ममता गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ और साथ ही साथ लॉयनेस रजनी चमड़े निवेदन करती हूँ कि हम दुबे जी और दर्पणा स्वर्णकार जी से अनुरोध करती हूँ से दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इस समय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजय चौबे जी आए हुए हैं रीवा में। उन्होंने आरएसएस की तुलना नक्सलाइट संगठन से की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पूर्व विधायक सुंदरलाल जी ने भी कहा कि आतंकवाद की जड़ आरएसएस से शुरू होती है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं नहीं जानता ये चौबे कौन है, लेकिन कांग्रेस की इसी निकृष्ट मानसिकता के कारण ही लंबे शासनकाल में कांग्रेस के आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ा है। उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही वो समझ पाए कि उनकी नीतियों में कहाँ खराबी है, जिसके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद इस देश में बढ़ा और देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में का उसने काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जहाँ तक सवाल है तो स्वयं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने और स्वयं बापू जी ने भी आरएसएस की सराहना की थी और आरएसएस का सहयोग भी लिया था उन्होंने और देश को स्वतंत्र कराने से लेके तमाम ऐसे संकट के समय में जब देश को निस्वार्थ भाव से काम करने वाले एक बड़ी फौज की लोगों की आवश्यकता होती थी तो आरएसएस के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि आपके लोग ही इस संकट के समय में प्रशासकीय मशीनरी के साथ साथ सहयोग करेंगे तो इस संकट से हम उभर सकते हैं। तो इस प्रकार की विचारधारा और निष्कलंक निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले जिन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया ऐसे लोग, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोग गैर जिम्मेदार लोग हैं और ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता।